अमीर देव चौहान का जो शासन काल रहा 1282 से लेकर 1301 रहा। पिता का नाम जेतर सिंह है और माता इनकी रानी का नाम रंग देवी, पुत्री का नाम देवल दे और गुरु का नाम राघव देव। इनकी स्वयं की करती थी जिनका नाम श्रृंगार हार है। श्रृंगार हार करती इनकी संगीत विद्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत विद्या से संबंधित है। तो श्रृंगार हार करती किसकी है? अमीर देव चौहान की। अब अमीर देव चौहान का एक दरबारी विद्वान है जिसका नाम विजयादित्य है। इनका एक राज पुरोहित है जिसका नाम विश्वरूप है और इस विश्वरूप के नेतृत्व में आगे चल के ये अमीर देव चौहान कोटि यंजन यज्ञ करवाएंगे। तो प्रश्न बनेगा आगे चल के, पूछेंगे आपसे कि अमीर देव चौहान ने किसके नेतृत्व में कोटि यंजन यज्ञ किया था, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? विश्वरूप है। अमीर देव चौहान की जानकारी देने वाले साहित्यिक ग्रंथ है कौन कौन से? तो सबसे पहले अमीर महाकाव्य करती किसकी है? नैन चंदर है सूर्य की। इसी की एक दूसरी करती है सुरजन चरित्र और एक करती है सुरजन चरित्र और सुरजन चरित्र करती किसकी है? चंदर शेखर और चंदर शेखर की करती है अमीर हट भी है। अमीर हट सवन सत पुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बात है ना। अमीर हट किसकी? चंदर शेखर की। एक अमीर रासो जो करती है अमीर रासो श्रृंग धर या सारंग धर ने 13वीं शताब्दी में लिखी, जबकि 18वीं शताब्दी में इसको किसने लिखा है? जोधराज ने। याद रखिएगा अमीर रासो जो करते हैं दो ने लिखी है, एक श्रृंग धर या सारंग धर ने लिखी 13वीं शताब्दी में और एक 18वीं शताब्दी में लिखी है जोधराज ने। नेक्स्ट बात है अमीर मदमर्दन करती जयसिंह सूरी की है, जबकि अमीर बंधन अमृत कैलाश की करती है, अमीर रायण भंडा व्यास की करती है और अमीर चौपाई विजय मंडन सा या मंडन विजय सा, अमीर रा छाड़ा राज रूपक करती है और खंजाइन उल फुतु अमीर खुसरो की करती है जो अलाउद्दीन खिलजी के काल में लिखी गई और प्रबंध को जो करती है वो राज शेखर की करती है। इन सभी कृतियों में अमीर देव चौहान के में जानकारी मिलती है, जबकि आप ये भी जानते हो कि राजशेखर की कृतियों में अन्य कृतियां भी हैं, काव्य मीमांसा है, कर्पूर मंजरी है, विंशाल भंजिका है, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, परबन कोश, हर विलास और प्रचंड पांडव, ये कृतियां किसकी है? राजशेखर। और आप अच्छे से ये बात भी जानते हो कि राजशेखर महेंद्रपाल और महीपाल का दरबारी विद्वान था और महेंद्रपाल के गुरु भी हैं और ये संस्कृत के आचार्य थे। किसके आचार्य हैं? संस्कृत के। और इन्होंने एक कृति संस्कृत में लिख करके प्राकृत भाषा में लिखी, वो करती थी काव्य मीमांसा। बाकी कृतियां इसकी किसमें है? संस्कृत भाषा में। अब जो बात आगे पढ़े थोड़ा सा हम अमीर खुसरो के बारे में जान लें। अमीर खुसरो का मूल नाम अब्बुल हसन था, पटियाली में इनका जन्म हुआ है। गुरु का नाम निजामुद्दीन ओलिया है। अमीर खुसरो का मूल नाम अब्बुल हसन, जन्म इनका पटियाली यूपी में, गुरु का नाम निजामुद्दीन ओलिया। क्या है निजामुद्दीन ओलिया? उपमा है तूतिया ए हिंद, तोता ए हिंद, भारत का तोता। अब किस किस के दरबारी रहे? ग्यासुद्दीन बलवन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन तुगलक। अन्य किसकी कृतियां कौन सी है? खंजाइन उल फुतु जो अमीर खुसरो ने लिखी है, खंजाइन उल फुतु ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में लिखा। मिफ्ता उल फुतु जलालुद्दीन खिलजी के काल में लिखा। तारीख ए इलाही अलाउद्दीन खिलजी के काल में लिखता है और तुगलक नामा करती लिखता है ये ग्यासुद्दीन तुगलक। यानी तीन वंश में एक तो रहा गुलाम वंश और एक रहा खिलजी वंश और एक रहा तुगलक, तीन पार्टियों को समेट देता है। लंबा जिया है खूब अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सितार और तबले के आविष्कारक रहे हैं। तबले और सितार के आविष्कार हैं। मध्यकाल में संगीत परंपरा की जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति है तो अमीर खुसरो उर्फ है अबुल हसन जो पटियाली से रहने वाले हैं।
और खड़ी बोली का प्रथम हिंदी का जो कवि है वो अमीर खुसरो ही है, अमीर खुसरो। अब देखो अमीर के विजय अभियान की बात करते हैं, अमीर देव चौहान के विजय अभियान। अमीर देव चौहान ने कौन कौन से युद्ध जीते? सर्वप्रथम भीमरस, सर्वप्रथम एक स्थान है भीमरस, भीमरस के अर्जुन देव को हराता है, मेवाड़ के समर सिंह को हराता है, धार मध्य प्रदेश के भुज परमार को हराता है और आबू के प्रताप सिंह को हराता है। यानी अपने जीवन काल का अमीर देव चौहान का पहला युद्ध था वो था भीमरस के अर्जुन देव। अब से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमीर देव चौहान ने के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन है? तो मेवाड़ का समकालीन शासक है समर सिंह, क्योंकि समर सिंह को हराया है। उस समय धार मध्य प्रदेश यानी परमार वंशी शासक कौन है? भुज परमार है। आबू क्षेत्र के हैं प्रताप सिंह और भीमरस के कौन है? अर्जुन देव। जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण की बात करें, अब जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक है, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा है, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा, 1290 ईस्वी को जैन दुर्ग जो सवाई माधोपुर में है, जैन दुर्ग सवाई माधोपुर को जीतता है और उस जैन दुर्ग को जीतने के बाद ये रणथंभौर पर आक्रमण करना चाहता है। परंतु उस समय जैन दुर्ग का जो सेनापति था अमीर देव की ओर से वो था गुरदास सैनी। कौन है? गुरदास सैनी। और गुरदास सैनी मारा जाता है, गुरदास सैनी की क्या हो जाती है? मृत्यु। जैन दुर्ग को जीतना इसलिए जरूरी था कि जैन दुर्ग से जीतने से पहले, रणथंभौर को जीतने से पहले जैन दुर्ग को जीतना अनिवार्य था। अगर रणथंभौर तो पूछ रहे हैं तो जैन दुर्ग को जीतना पड़ेगा, इसलिए जैन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जैन दुर्ग को जीतने के बाद रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है 1291 में आक्रमण करता। तो याद रखने वाली ये बात है कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कितनी बार आक्रमण किया? दो बार। बलवन ने रणथंभौर दुर्ग पर कितनी बार आक्रमण किया? एक बार। शाबाश। इल्तुतमिश ने कितनी बार आक्रमण किया? एक बार। रजिया सुल्तान ने कितनी बार आक्रमण किया? एक बार। क्या बात है, जोश में अब की बात। इल्तुतमिश ने कितनी बार? एक बार। रजिया सुल्तान ने एक बार। बलवन ने तीन बार। जलालुद्दीन ने दो बार। अलाउद्दीन खिलजी ने दो बार। कितनी बार? दो बार। तो जलालुद्दीन खिलजी जैन रणथंभौर दुर्ग पर दो बार आक्रमण करते हैं। कहते हैं पहली बार आक्रमण किया, सोचा कि रणथंभौर को जीतेंगे, परंतु नहीं जीत पाया और अपनी सेना वहां पे लगान खड़ी कर दी, सेना लगा दी। अब कहते हैं कि अमीर देव चौहान की सेना धीरे धीरे गिन गिन के, चुन चुन के, किक को ढूंढ ढूंढ के पहाड़ियों की तलहटी में इन खिलजी वंश की जो सेना थी उनको धीरे धीरे चुन चुन को मार रहे थे। जलालुद्दीन खिलजी आए और जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए, बुलंद करते हुए कहा, आपकी जान बड़ी कीमती है, आपकी जान रणथंभौर से ज्यादा कीमती है और आपको ऐसे मरते मैं नहीं देख सकता। ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये बात अमीर खुसरो मिफ्ता उल फुतू में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? मिफ्ता उल फुतू में। कि रण एक भी पूछा जा सकता है कि किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता, तो याद रखेगा रणथंभौर दुर्ग। अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान की आपसी बात करते हैं, आपसी विद्रोह की चर्चा करेंगे। परंतु पहले अपन अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली का बादशाह तो बना दे। क्या बना दे? दिल्ली का बादशाह। अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी भेजा गया। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी पर आक्रमण करने हेतु सेना का सेनापति बनाकर भेज दिया। क्या बोला मैंने? जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को अपनी सेना का सेनापति बनाकर देवगिरी विजय अभियान के लिए भेज दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जीता
और वहां पे अथा सोना चांदी लूटा, खूब सोना चांदी लूटता है बस। अब लूटने के बाद मन में प्रलोभन आ गया कि यार लूट के लाया तू, और खास करके चाचा को दे देगा, और चाचा के पास तो वैसे ही खूब सारा पड़ा है, तो क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सा अपने पास रख लिया जाए। थोड़ा मन में लोभ आ गया, क्योंकि लालच बुरी बला। तो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा श्री जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया। ये स्थान था कड़ा मानकपुर, कड़ा मानकपुर में बुला लिया कि साहब, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को कहा आप आइए, हम आपको देवगिरी से सोना चांदी लूटा हुआ वापस दे देंगे, परंतु हमें कुछ अधिकार चाहिए, आप बिना किसी सेना को लेकर के मेरे पास आ जाओ। कहते हैं कि कड़ा मानपुर के मानकपुर के अंदर जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी से मिलने आ गए। अब उसको थोड़ी पता था तेरी हत्या करने का षड्यंत्र है। जलालुद्दीन खिलजी की कड़ा मानकपुर में अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी और दिल्ली का बादशाह बन गया। ये बात 1296 में की।